प्रयागराज की ओर ले चलते हैं, जहां जमुना पार के अधिकांश गांव में भारी बारिश और आसमानी पत्थर ओले पड़े, जिसमें पूरे क्षेत्र के किसानों की फसल पूरे तरीके से नष्ट हो गई। हर गांव के किसान ऋण लेकर खेती कर रहे हैं, उनमें बारिश होने की मार झेल रहे किसान अब पूरी तरीके से टूट चुके हैं। यूं तो पूरे गाँव की जमीन बैंकों में गिरवी रखी है, किसानों को फसल बीमा के नाम पर करोड़ों पैसे प्राइवेट कंपनियां, कोई नहीं बैंक के द्वारा बीमा के नाम पर दिया जाता है कि किसान हैरान होकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। अभी किसानों की चारों तरफ से लूटने का एक बहुत बड़ा जाल और रियासत है। तहसील कर्मचारी और जिला कर्मचारी के बेखूबी इस तरीके से कमरे में बैठकर निर्णय लेते हैं कि किसान पर किसी तरह का कोई भी नुकसान ना हो, जबकि पूरा जमुना पार इस बारिश की मार झेल रहा है। आपका पसंदीदा चैनल प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज स्टार टीवी पर उपलब्ध है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज चैनल की खबरों को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।